कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर नेशनल प्रेस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 19 जून संडे 2022, तो ईद उल अधा यानी कि बकर ईद बहुत करीब आ गई है। और आज ही के दिन देवनार एबेट्योर या देवनार स्लॉटर हाउस में व्यापारियों की वित्त ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग भी रखी गई है कि कब बकरे आएंगे और कब उसको सिटीजन को बेचना शुरू होगा। तो यस्टरडे 18 जून 2022 टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडिंग आई कि अनिल देशमुख, जो कि एक्स होम मिनिस्टर है और जो लास्ट ईयर से 100 करोड़ के महाना करप्शन और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट है, बिहाइंड द बार है, और नवाब मलिक जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो भी लास्ट मार्च 2022 से बिहाइंड द बार है। तो ये दोनों ने गुहार लगाई हाईकोर्ट से कि एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका इलेक्शन होने था 20 जून को 2022, तो इन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि हमें रिहा किया जाए क्योंकि हम एक नुमाइंदे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, सिटिंग एमएलए हैं, तो हमें एमएलसी का वोट कास्ट करने के लिए इजाजत दी जाए और हमें जेल से बाहर आने की परमिशन दी जाए। अगरचे नवाब मलिक के काउंसिल अमित देसाई ने पूरी तरीके से कोशिश की कि जस्टिस एनएम जमादार को एक्सप्लेन किया जाए कि उनके क्लाइंट को बाहर छोड़ा जाए ये एमएलसी इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ एसजी अनिल सिंह जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थे वो इसका खुला अपोज कर रहे थे। बिलाखिर फैसला हुआ है कि ये दोनों अनिल देशमुख और नवाब मलिक जो बिहाइंड द बार है, इनको एमएलसी इलेक्शन के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ताकि वो जाके अपना वोट कास्ट कर सके। तो देखते हैं क्या ताकत होती है कोर्ट ऑफ लॉ की, जजेस की, कि कैबिनेट मिनिस्टर और एक्स होम मिनिस्टर अगर उन्होंने कोई गलती की है या उनपे इल्जाम लगा है या ईडी उनपे इल्जाम लगाई है, जो भी उसका जजमेंट आएगा, लेकिन हाल फिलहाल में कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती है कि ये दोनों जेल से बाहर आएंगे।